अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। हाल ही में हुए विभिन्न चुनावों में धांधली व धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सपा ने आज यूपी के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। सपा का कहना है कि पंचायत ब्लॉक व अन्य चुनावों में भाजपा सरकार वे उनके अधिकारियों ने लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपा सरकार का जन समस्याओं पर ध्यान नहीं है। जो भी विरोध करता है उस पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। सांसद आजम खान इसके उदाहरण हैं। यूपी के मेरठ में भी सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और उन्होंने अपनी 16 मांगों व समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फाक्ट टीवी। इस मौके पर सपा सरकार के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने यह कहा। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कई चुनाव हुए। तमाम चुनावों में चाहे वो बाई इलेक्शन थे विधायकी के, चाहे वो जिला पंचायत के, चाहे वो प्रधानी, चाहे वो प्रमुख, तमाम इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। कहीं पर्चे छीन लिए, कहीं कैंडिडेट को मार दिया, कहीं धक्का के एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में पर्चा नहीं भरने दिया। ये सारे लोकतंत्र की हत्या हुई। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में आज ये धरना प्रदर्शन है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के तमाम साथी मेरठ तहसील में आज धरना करने के लिए, धरना देने के लिए, सरकार को चेताने के लिए आज हम यहाँ पर हाजिर हुए। हमारे नेता सब यहीं पर हैं। हमारी मांग है कि लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, महामहिम राज्यपाल उस पर जांच कराएं। धरने के दौरान सपा के शहर विधायक रफीक अंसारी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ और प्रमुख का चुनाव हुआ, कौन है जो गुंडाई खुले हुई है, महिलाओं का चीरहरण हुआ है, लोकतंत्र को लूट लिया गया है, उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन किया है। और इस धरने प्रदर्शन से ही आगाज हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जो जालिम सरकार है उसका सफाया होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये अधिकारी और ये बीजेपी के लोग देख लें, ये हवा का रुख बता रहा है कि राज आ रहा है और राज जा रहा है। गुंडाई राज जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश का राज आ रहा है, गरीबों का मजदूरों का राज आ गया। करने वाली सरकार के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की तहसीलों पर जबरदस्त विशाल प्रदर्शन है। वो प्रदर्शन इसलिए है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पर्चे फाड़ दिए, प्रत्याशी को बंद कर दिया और लूट लिया, प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष का पद लूट कर ले गए। इसके विरोध में गन्ने का पेमेंट नहीं, महंगाई कहाँ जा रही है, इन सब हमारी 16 मांगे हैं। उन 16 मांगों के लिए हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट पर, तहसील स्तर पर। चूंकि यहाँ की तहसील में मेट्रो बन रही है, इसलिए कलेक्ट्रेट पर हमने मेरठ तहसील का प्रदर्शन किया। उधर हसनापुर व मवाना में भी सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी ताकत का एहसास कराया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से ना निकलें। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से परहेज करें। घर पर रहें, सेफ रहें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।